कहीं रखी होगी आप ले आओ बोतल कहाँ है लेके आओ बोतल आप बोतल कहाँ है ये बोतल है ये बोतल चलो कहाँ जा रहे हैं ए मंत्री महाराजा आज ऐसा करो थोड़ी बहुत होनी चाहिए क्योंकि लास्ट दिन है हाँ महाराज नोचने खाने वाले को बुलाया जाए क्या नोचने खाने वाली को नाचने वाली को नाचने वाली को है कोई आज हमारे अच्छा महाराज तो ये व्यवस्था तैयार है तैयार है हाँ अच्छा अब लहरा बजाया जाए ठीक है सुना है कि अभी जो आवाज हुई थी धनुष टूट गया है नहीं है? अभी नहीं देख के आओ ठीक है महाराज अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं बचा पाएगा लेकिन फिर भी मुझे डर ठीक है महाराज मुझे मरने से बहुत डर लगता है अच्छा तुम जीना चाहते हो हाँ हम मरना नहीं चाहते अच्छा महाराज कहिए वो धनुष टूटा नहीं है अभी रखा तुम बहरे हो सभी ने आवाज सुनी धनुष टूट गया और तुम कह रहे हो टूटा नहीं टूट गया महाराज टूट गया अच्छा तो अब पहलवानों को बुलाया जाए ठीक है महाराज और जो हाथी लगा दिया था दरवाजे पर वो भी है अच्छा धनुष टूट गया धनुष टूट गया मंत्री तुम्हें पता है हम मरना नहीं चाहते तुम जीना चाहते हैं लेकिन मरोगे आज बचोगे खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे देखता होने का दो दिन गन्ना सकता आज भक्त भगवान कन्हैया जैसे आगे आए अबे पीछे रहे हाँ और थोड़ी रास्ता कर दे बीच में माता बहना आज भगवान कन्हैया उस हाथी के पास में पहुंचे एक मिनट रुक जाओ थोड़ी देर डर की वजह से वहां जाओ ये आ जाओ
आज भक्तों भगवान गणेश हाथी के पास में पहुंचे तो पीलवान कहने लगे कि भैया अपने इस हाथी को अलग कर लो। और उस हाथी को भक्तों नशा में आज उन्होंने ऐसा धुत कर लिया जो उसे पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं। उसी समय हमको भगवान कन्हैया से पीलवान कहते हैं भैया हाथी को हटा दो अंदर चले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कहा और क्या बोले कि हम चंद्र वंश कहलाते हैं कृष्ण बलराम आज छोड़ना नहीं चाहिए रोके जाओ। एक आज भक्तों जैसे कंस के दरबार में गोविंद पहुंचे तो कंस ने कहा भैया मेरे पहलवानों को तैयार किया जाए मुष्टिक और चारुड़ को। तो आज भक्तों मुष्टिक और चारुड़ भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए आए। आ जाओ और नैसे करियो आराम से चोट न लग जाए। अरे मुश्किल चारूड़ पहलवा तस्याम से तेरे मामा के बोल रही है।
और हम मुस्कुर चालू पहलवा तो धरती गए आज भक्त भगवान कन्हैया।